एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारे सामने खड़ी है हुंडई वेन्यू 2023, जो कि ये एस मॉडल है, सेकंड बेस मॉडल है, ई से ऊपर वाला। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिलने लगे हैं सेकंड बेस के हिसाब से। तो आज इसका मैं वॉक अराउंड रिव्यू आपको देने वाला हूँ इन डेप्थ। इंटीरियर एक्सटीरियर सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं, अच्छे से प्रॉपर बात करेंगे, अच्छे से टाइम लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसके लुक्स दिखा देता हूँ, आप साइड से देख पा रहे होंगे ऐसी लगती है कुछ हमारी हुंडई वेन्यू। अब आते हैं फ्रंट में। तो पर्सनली मुझे इसकी फ्रंट ग्रिल काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो गाइज ये रहा इसका फ्रंट का लुक, जिसकी ग्रिल काफ़ी प्रीमियम लगती है मुझे। और जो टॉप मॉडल में आती है, यहाँ पे लाइट जो साथ में कंटिन्यू होती है, वो तो भाई साहब DRL जब रहती है मज़ा आ जाता है उसको देख के। सो गाइज आपने लुक देख लिया हो, तो चलिए शुरू करते हैं इसका वॉक अराउंड रिव्यू इन डेप्थ। तो चलिए गाइज, सो गाइज सबसे पहले हम आते हैं इसके फ्रंट लुक में। तो यहाँ पे बात करते हैं हेडलाइट्स की, जो कि आपको देखने को मिलते हैं हेलोजन में। फुली हेलोजन सेटअप आपको देखने को मिलता है इसमें, कोई भी DRL देखने को नहीं मिल रहा है आपको। यहाँ पे आप ग्लॉसी फिनिश में देखने को मिलते हैं इंसर्ट्स। यहाँ पे हेलोजन हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं हाई बीम लो बीम के लिए। यहाँ पार्किंग लाइट देखने को मिलती है। टर्न इंडिकेटर्स आपको हेलोजन में मिलते हैं, कोई भी DRL ऑफर नहीं किया गया है। बाकी अब बात है इसी ग्रिल पे गाइस। तो यहाँ पे आपको डी क्रोम फिनिश में ग्रिल देखने को मिलती है, जो काफ़ी प्रीमियम लुक देती है। और बहुत ही इसका जब से अपडेट आया ग्रिल का, तब से इसका लुक तो बहुत ही इनहांस कर दिया है, मुझे बहुत अच्छी लगने लगी है इस ग्रिल की वजह से ये वेन्यू। और नीचे आते हैं गाइस, कोई भी फॉग लैंप वगैरह ऑफर नहीं किया गया, जैसे कि ये सेकेंड बेस वेरियंट है। बाकी आपको यहाँ पे और कुछ देखने को, पार्किंग सेंसर्स नहीं देखने को मिलते हैं। सो गाइस चलिए अब अंदर चलते हैं। हाँ, अंदर जाने से पहले हम साइड की बात करेंगे। तो साइड में आपको यहाँ पे सेकंड बेस वेरिएंट है जैसा कि, तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स फेंडर पे देखने को मिलते हैं। सो गाइस अब आते हैं टायर प्रोफाइल पे। तो टायर सेक्शन की गाइस हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको टायर सेक्शन देखने को मिलता है 195/65R15। आपको 15 इंच के इसमें स्टील रिम्स देखने को मिलते हैं, जो कि अलॉयज लग रहे हैं, लेकिन अलॉयज नहीं है। इसके ऊपर व्हील कैप ऐसा दिया गया है, काफ़ी प्रीमियम दिखने वाला, तो इसकी वजह से इसका लुक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो गाइस चलिए अब चलते हैं अंदर। ये रहा इसके ORVM, इस पर कोई भी इंडिकेटर देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपको फेंडर पे देखने को मिलते हैं, कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर नहीं किया गया इस वेरिएंट में आपको। सो गाइस चलिए अब अंदर चलते हैं। सो इंटीरियर का लुक तो काफ़ी प्रीमियम सा आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। तो गाइस चलिए अब अंदर चलते हैं। और ये रही इसकी कुछ ऐसी सी की हमारी, लॉक अनलॉक और होल्ड, इसको प्रेस करके आप रहेंगे तो आपका बूट ओपन हो जाता है। सो गाइस चलिए बंदा चलते हैं। ये फ्लिप की मिलती है इसमें, कोई भी इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलता है आपको इस वेरिएंट में। तो अब बात करते हैं यहाँ पे इसके स्टेयरिंग व्हील की। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे काफ़ी प्रीमियम इसकी स्टेयरिंग व्हील देखने को मिल रही है, 4-स्पोक स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलती है आपको। यहाँ पे सिल्वर इंसर्ट्स देखने को मिलते हैं, यहाँ हुंडई के लोगो, एयरबैग की बैजिंग, यहाँ पे स्टीरियोमैटिक कंट्रोल्स, यहाँ पे MID कंट्रोल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। बाकी आपको कोई भी लेदर रैपिंग इस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलती है। सो गाइस अब आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, जो कि आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इसमें आपको कोई भी चीज़ अनलॉक देखने को नहीं मिलती, टैकोमीटर स्पीडोमीटर सारी चीज़ें आपको फुली डिजिटल मिलती है। यहाँ पे डिस्प्ले में आपको अदर इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, कुछ सिग्नल्स मिल जाएंगे आपको, वार्निंग लाइट्स। सो गाइस ये रहा कुछ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो काफ़ी प्रीमियम लगता है इसमें रात में। सो गाइस अब आते हैं इसके सेंटर कंसोल की बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इसके IRVMs में, जो कि मैनुअली एडजस्टेबल आपको मिलते हैं इस वेरिएंट में। अब आते हैं नीचे गाइस, तो यहाँ पे आपको मिलता है 7 इंच की डिस्प्ले, जो कि एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले सारी चीज़ के साथ आता है। सो गाइस अब नीचे यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, यहाँ हैजार्ड लैंप का बटन देखने को मिलता है, यहाँ हैजार्ड लैंप ऑन हो गया देख पा रहे हैं आप। और यहाँ पे आपको सिल्वर इंसर्ट्स देखने को मिलते हैं हर जगह। तो काफ़ी डिटेलिंग पे काम किया गया है वेन्यू में, हुंडई ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है इसके लुक को एनहांस करने के लिए इंटीरियर का। बाकी यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो काफ़ी सिल्वर इंसर्ट जिन्होंने छोटे छोटे देखने को मिल रहे हैं। बाकी यहाँ पे आपको ग्लॉसी फिनिश थोड़ी सी देखने को मिलती है। नीचे आते हैं तो आपको इस वेरिएंट में कोई भी क्लाइमेट ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को नहीं मिलता है आपको, ये मैनुअली एडजस्टेबल मिलता है। ये रहे वो एयर फ्लो के कंट्रोल्स, कौन से कितने स्पीड पे चाहिए। बाकी यहाँ पे कूलिंग और हीटिंग का नॉब, यहाँ पे AC का बटन, यहाँ पे आपको रियर डिफॉगर मिलता है इसमें आपको, इसके कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे नॉब आपको देखने को मिलता है सर्कुलेशन कहाँ पे चाहिए। सो गाइज अब बात करते हैं इसके लेफ्ट साइड की, को ड्राइवर साइड। तो यहाँ पे एयरबैग की बैजिंग आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे कुछ स्पेस देखने को मिलता है आपको। ग्लव बॉक्स की बात करें तो आपको डिसेंट अमाउंट में मिलता है, जो कि कूल नहीं है, इसका साइज अच्छा खासा है। सो गाइज अब बात करते हैं इसके सीटिंग कम्फर्ट की फ्रंट की। तो सीट की कम्फर्ट तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। सो गाइज अंडर थाई सपोर्ट आपको इसका दिखा देता हूँ, अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। रैपिंग की इसकी काफ़ी अच्छी है, डिसेंट सी है। हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलते हैं। बाकी हाँ, ग्रैबिंग पोजीशन इसकी अच्छी है, कुशनिंग भी अच्छी मिलती है। अब आते हैं गाइस राइट साइड में, तो राइट साइड में को क्या क्या मिलता है। यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल देखने को मिलते हैं, ऑटो ऑन ऑफ का बटन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवल के कंट्रोल देखने को मिलते हैं। सो गाइस अब आते हैं ड्राइवर साइड, तो ड्राइवर साइड बात करते हैं हम क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो ड्राइवर साइड आपको कोई भी विंडो
ऑटो अप ऑटो डाउन के नहीं मिलते हैं। हाँ, ड्राइवर साइड आपको एलिमिनेटेड मिलता है देखने को। सो गाइस, ये रहे से कुछ विंडोज़ के कंट्रोल, बाकी ये वो विंडो लॉक के बटन, बाकी ये लॉक अनलॉक और ORVM से कंट्रोल देखने को मिलते हैं, जो कि एडजस्टेबल है, फोल्डेबल नहीं है। और अपने हाइट के अकॉर्डिंग मैंने सीट एडजस्ट कर लूँगा और एक बार, हाँ, जैसे मैं ड्राइव करूँगा उस हिसाब से, तो मैंने सीट फिक्स कर ली है। मेरी हाइट 5'9" है। हाँ, नीचे तो मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने मिलता है, USB पोर्ट मिलता है, चार्जिंग पोर्ट मिलता है, सी टाइप में भी आपको देखने मिलता है, और यहाँ पे आपको कोई भी वायरलेस चार्जिंग पैड नहीं मिलता है। गियर नॉब की बात करते हैं गाइस, तो गियर नॉब तो काफ़ी मतलब सिल्वर इंसर्ट्स के बिना आता है, एकदम ब्लैक फिनिश में देखने को मिल रहा है। बाकी गियर शिफ्टिंग तो काफ़ी स्मूथ है इसकी। और नीचे यहाँ पे कुछ स्पेस देखने को मिलता है, बॉटल होल्डर्स देखने को मिलते हैं। लेफ्ट साइड में आपको आर्मरेस्ट देखने को मिलता है, जो कि सॉफ्ट टच में बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी हार्ड है। यहाँ कुछ स्पेस देखने को मिलता है आपको। सो गाइस, चलिए पीछे चलते हैं। ये किया डोरबेल। सो गाइस, चलिए पीछे चलते हैं। मैंने फ्रंट की सीट अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ली है, मेरी हाइट 5'9" है। सो गाइस, फ्रंट की सीट तो काफ़ी अच्छी है, कंफर्टेबल भी लग रही है मुझे, और इसमें आपको डिक्लाइन एंगल भी अच्छा खासा मिलता है। और नी रूम की बात करें तो काफ़ी अच्छा नी रूम मिल रहा है, और आप आराम से अपना लेग स्प्रेड कर पाएंगे। बाकी अंडर थाई सपोर्ट मुझे नहीं ठीक, मतलब ओके लगा, उतना परफेक्ट नहीं लगा, लेकिन ओके है। लॉन्ग राइड्स आपको थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है 200-300 किलोमीटर्स के बाद। बाकी हेडरूम में आपको इसमें कोई कमी नहीं मिलती है। पीछे आपको यहाँ पे 2 AC वेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसके कंट्रोल आपको देखने को यहाँ मिलता है। आपको 2 सी टाइप चार्जिंग केबल मिलते हैं, पॉइंट मिलता है, जिससे आप अपना फ़ोन चार्ज कर पाएंगे, जो कि ये फास्ट चार्जिंग आई गेस है। और बाकी यहाँ पे फास्ट चार्जिंग है यहाँ, बाकी यहाँ पे हम देखने को मिलता है आपको, जो कि बड़ा है काफ़ी। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्पेस कम मिलेगा जब आप सीट अपनी पूरी एक्सटेंड कर देंगे बैक तक। और बैक का लुक आपको मैं कुछ दिखाता हूँ। सो गाइज, यहाँ पे आपको हेडरेस्ट मिलते हैं तीनों ही पैसेंजर्स के लिए, तो एक अच्छी बात है। यहाँ पे आर्मरेस्ट आपको देखने को नहीं मिलता है, और बाकी ये सीट 60-40 स्प्लिट हो जाती है। और यहाँ पे बूट स्पेस मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ, क्योंकि पीछे जगह नहीं है बूट ओपन करने का, तो यहाँ पे मैं आपको बूट स्पेस दिखा देता हूँ। उसकी कैपेसिटी मैं आपको बता देता हूँ, 350 लीटर्स आपको देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पे केबल लैंप आपको यहाँ पीछे भी देखने को मिलता है, एक आगे नहीं मिलता है, पीछे ही देखने को मिलता है यहाँ पे, जो कि हैलोजन्स में है। सो गाइज, चलिए पीछे इसकी बैक लुक की बात करते हैं। हाँ, आपको यहाँ पे देख रहे होंगे 2 स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, और फ्रंट पे 2 स्पीकर्स मिलते हैं और 2 ट्विटर्स मिलते हैं, तो मतलब आपको 4+2 का सेटअप देखने को मिलता है टोटल। सो गाइस, चलिए पीछे चलते हैं, बैक का लुक इसका मैं आपको दिखाता हूँ। ये किया डोर बंद, काफ़ी हैवी डोर है इसका। सो गाइस, बैक का लुक आप थोड़ा देख पा रहे होंगे, एडजस्ट करना पड़ेगा गाइस, सॉरी। अब बात करते हैं इसके बैक में आपको क्या क्या मिलता है। यहाँ पे फुली LED सेटअप आपको देखने को मिलता है, टेल लाइट में फुली LED नहीं है सॉरी, यहाँ पे हैलोजन्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे भी हेलोजेंस है। बाकी नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलते हैं, रिवर्स पार्किंग लाइट यहाँ पे देखने को मिलती है। पार्किंग सेंसर्स की बात करें तो 2 देखने को मिलते हैं आपको, ये आपको थोड़ी सी ग्लॉसी फिनिश में देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट देखने को मिलता है यहाँ पे, और यहाँ पे वेन्यू की बैजिंग आपको देखने को मिलती है, हुंडई का लोगो। सो गाइस, पीछे तो ऐसे ही कुछ दिख रहा है आपको, बैक में वाइपर्स देखने को नहीं मिलते, रियर डिफॉगर देखने को मिल रहा है, शार्क फिन एंटीना देखने को मिल रहा है। सो गाइस, चलिए अब इसका इंजन मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी बैक का लुक इतना प्रॉपरली नहीं दिखा पाया। इंजन हुड ओपन करने के लिए यहाँ पे लैच मिलता है आपको, इसको ओपन करने के लिए पुल करना है। सो गाइस, ये रहा कुछ हुंडई वेन्यू का इंजन, जो कि आता है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ, और जो कि प्रोड्यूस करता है 81 BHP की पावर, और प्रोड्यूस करता है 130 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो ये रहे उसके कुछ पावर फिगर्स, और यहाँ पे आपको फ्यूल वाटर वॉशर फ्लूइड्स की देखने को जगह मिलती है, और बाकी आपको यहाँ पे और कुछ ABS की यूनिट वहाँ देखने को मिलती है। ये रहा कुछ इसका पेट्रोल इंजन 4 सिलेंडर के साथ, जो कि आता है आप देख पा रहे हैं, काफ़ी स्पेशियस इंजन है, क्योंकि पेट्रोल में हुड इंसुलेशन आपको देखने को नहीं मिलता है। और गाइस, अब बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक की, तो मैं आपको बताना भूल गया, तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलती है इसमें 45 लीटर्स की पेट्रोल के साथ। सो गाइस, चलिए अब इसका हुड बंद करते हैं एक बार। सो गाइस, ये रहा हमारा कुछ हुंडई वेन्यू 2023S मॉडल का रिव्यू, इन डेप्थ इंटीरियर एक्सटीरियर सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी है। अगर वीडियो यहाँ तक आपने देख लिया है तो प्लीज़ गाइस, लाइक और सब्सक्राइब बिना मत जाइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।